गेस्ट, भारत के भगोड़े जाकिर नाइक का ये पाकिस्तान दौरा है, पहुंच चुके हैं आज। शहबाज सरकार के राजकीय निमंत्रण पर हुसैन हक्कानी का भी नाम था। अमेरिका मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक, अमेरिका दे विच वी मोस्ट वांटेड, सीरियसली। भगोड़ा कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत कई बड़े शहरों में भाषण देने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच गया है। और मोहब्बत की हुंदी चले आजी नूची हुंदी। डॉक्टर जाकिर नाइक पाकिस्तान दे विच पहुंच चुके ते इंडियन मीडिया दा रिएक्शन जो कि ऑब्वियस आना ही सी वो भी आ चुके। सो इंडियन मीडिया दे अकॉर्डिंग जाकिर नाइक भगौड़े ने, भगौड़ा है एक, ठीक है, क्योंकि जेड़ा कि इंडिया चो भज चुके है क्योंकि उन्होंने केसेस है, पर कोई भी प्रूफ नहीं होया, कोई भी यानी कि साबित नहीं होया, इल्ज़ाम लगे हुए हैं। तो जिन्ना चिर मेरे ख्याल इल्ज़ाम लग्या हुए उसी किसी ने भी कोई टैग नहीं दे सकते, ठीक है, कि ये गिल्टी है या नहीं है, है ना। तो वो कोर्ट का काम होंगे जिन्ना चिर प्रूफ नहीं होंगे, बट इंडियन मीडिया ने सर्टिफिकेट जरूर दिते होंगे क्योंकि मीडिया का काम है सिर्फ व्यूज लेने, एंड इन्होंने तो साढ़े पंजाबियों को नहीं छड़िया, मीडिया वालों ने पंजाबियों को भी इन्होंने टैररिस्ट बनाया, किसानों भी टैररिस्ट बनाता से जो धरना लगा सी। तो जाकिर नाइक तो मेरे ख्याल उसके सामने काफ़ी एक वड्डी गल आ जाती है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो, देखते हैं कि रिएक्शन है इंडियन मीडिया का। News is on the controversial radical preacher Zakir Naik, who has arrived in Islamabad on the invitation of the government of Pakistan. In fact, he was even welcomed by senior officials from the Ministry of Religious Affairs. So that's the news, how Zakir Naik has arrived in Islamabad. He's there on an invite from the government officials of Pakistan. His tour includes stops in Lahore, Karachi, which concludes in Islamabad on the 20th. Now, just to tell you a little bit more about Zakir Naik, well, Zakir Naik has been on the run. And the big question is whether he's going to be extradited to India. But presently, he's in Pakistan. He is there in Pakistan on the invite of the Pakistani government. And those are the visuals of Zakir Naik, who has been accused of promoting religious hate. Yeah, ji haan, state guest. Bharat ke bhagode, Zakir Naik ka ye Pakistan dora hai. Pahunch chuke hain aaj. Shahbaz Sarkar ke rajkiya nimantran par dora उनका बुलाया गया है, राजकीय निमंत्रण दिया गया, ऐसा सा लग रहा है किसी देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्हें बुला लिया गया, राष्ट्रपति को बुला दिया गया। इतनी इज्जत एक आतंकी की, खैर आतंकिस्तान है तो आतंकियों को तो इज्जत देगा ही। पाकिस्तान के कई शहरों में जनसभा का कार्यक्रम, यानी जहरीले, दैट्स वेरी बैड, सीरियसली वेरी बैड, कि तुसी पूरी कंट्री नु आतंकिस्तान कहता, मतलब कि पाकिस्तान नु टेररिस्ट कहता इन्होंने फिर, ठीक है, दैट्स वेरी रोंग। एज अ इंडियन मैं इस चीज़ की निखेधी करदा, तो मेरे ख्याल मेरे जिन्हें भी व्यूवर्स है चाहे वह इंडियनज़ ने काफ़ी सारे, तो वह भी इस चीज़ के खिलाफ होणगे कि तुसीं इदां नहीं कर सकते, ठीक है। तो दूजी गल कि किसी नूं भी टैग नहीं दे सकते जिन्ना चिर उहदा जिहड़ा उह कबूल ना होवे, एंड तीजी गल जे एडा ही वड्डा खतरनाक टैररिस्ट आ वह बंदा, तो इंडिया इज़ द वेरी पावरफुल कंट्री, ठीक है, इंडियन दी इंडिया सीक्रेट एजेंसीज इंडिया दी बहुत पावरफुल है, मैं मानता, आई प्राउड टू बी इंडियन, ठीक है। तो मैं मानता कि इंडिया इन्ना कैपेबल है कि जेकर कोई टैररिस्ट है ना इदा दा, चाहे वह जेड़े मर्जी देश में लुकिया बैठा है, तो वीडियो भी नहीं आ रही उहदियां, फिर भी उन्हों उतों फड़ के चक के ना तो इंडिया वाले आ गए जेल च बंद कर लेंगे। मैं मानता कि इंडियन इन्ने कैपेबल है, इंडियन गौरमेंट, इंडियन आर्मी इन्नी कैपेबल है, पर जदों तुसी सारा कुछ तुहाडे सामने है, वीडियोज़ भी बन रही, तुहानू भी पता भी है भी बंदा मलेशिया च इन्ने सालों तो रह रहा है, तुहानू पता भी वह पाकिस्तान आया, तो जे वह वाकई आतंकवादी है तो हुण तक तां फड़िया जाना चाहिए सी, तो फिर मीडिया दे विच रौला पाउण वाली कीहड़ी गल है यार, सीधा मतलब एक एक जिहड़ा बंद जिहड़े बंदे च भी थोड़ी भी कॉमन सेंस है ना वो यूज़ करेगा उहनू तो समझूगा इस चीज़ नू। बोल 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 कर आग सुलगाने का काम जाकिर नाइक वहां करेगा, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, अलग अलग जगहों पर जनसभाएं करने की तैयारी है। जाकिर नाइक के साथ बेटा फारिक नाइक भी मौजूद रहेगा, ट्रेनिंग दे रहे हैं बेटे को भी कि कैसे आतंक को और आग यहां पर भड़कानी है। और चलिए आपको जरा तस्वीर दिखा देते हैं, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा स्वागत पाकिस्तान कर रहा है, जी हाँ, आतंकी का स्वागत, ऐसा स्वागत आपने देखा नहीं होगा। पाकिस्तान को खाने पीने के लाले पड़े हुए और आतंकियों का स्वागत करने के लिए पैसे उड़ाए जा रहे हैं, ये देखिए पैसे कैसे खर्चे किए जा रहे हैं, देखिए ऐसा स्वागत हो रहा है, ऐसी खुशी मनाई जा रही है जैसे पता नहीं कौन पहुंच गया, पता नहीं किस तरह की मदद मिलने। अबे फ्लावर देने के कितने के पैसे लग गए वाली,
जबकि ये भगोड़ा है और भारत से जिसे जिसे मोस्ट वांटेड घोषित किया जाता है ऐसा लगता है कि आतंकिस्तान उन्हें बुलाकर उनकी आवभगत करने का मौका देखता है। भले पैसे ना हो, इस पर खर्चा करने से पहले नहीं सोच रहे, आवाम का पैसा निकालने से पहले सोचते हैं। ये तस्वीर देखिए, जहर फैलाएगा जाकिर, क्योंकि अलग अलग जगहों पर 20 दिन का कार्यक्रम है। मैडम जी, जहर तुसी फैला रहे हो बार बार पाकिस्तान का नाम आतंकिस्तान बोल बोल के, ठीक है। 20 दिन के कार्यक्रम के लिए यह अवभगत करके पाकिस्तान बुलाए गए। अधिकारी स्वागत कर रहे हैं, नेता मंत्री पहुंच रहे हैं, ऐसा लग रहा है कौन गेस्ट ऑफ ऑनर पहुंचा हुआ है। जी हाँ, तस्वीर तो कम से कम यही बता रही है कि पाकिस्तान में इस तरह से देखिए आतंक को प्रायोजित तो करता ही था, अब स्वागत भी करने लगा है। और चलिए अब आपको बताते हैं, अब आपके सामने जानकारी रख देते हैं कि क्या कार्यक्रम। हम कह रहे हैं 20 दिन के लिए पहुंचा है, 5-6 अक्टूबर को कट्टरपंथी जाकिर नाइक इस्लामाबाद पहुंच चुका है, जहां पहले से ही कर्जे की मार झेल रहा पाकिस्तान उसके लिए रेड कारपेट बिछाकर तैयार दिखा। तमाम तैयारियों के बीच बकायदा मंत्रालयों के अधिकारी जाकिर के स्वागत में खड़े दिखे। आतंक से पाकिस्तान की यारी का आलम यह है कि जहां रोटी के लाले हैं, वहां ऐसे कट्टरपंथी मौलाना के लिए भड़काऊ स्टेज सजाया जा रहा है, जहाँ से जाकिर नाइक नफरती आग उगलेगा। हालांकि जाकिर नाइक को बुलाने के शहबाज शरीफ सरकार के फैसले पर पाकिस्तान में ही विरोध के स्वर उठे थे। जाकिर का विरोध करने वालों में पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हुसैन हक्कानी का भी नाम था। अमेरिका मोस्ट वांटेड जाकिर नाइक पाकिस्तान पहुंचा है। पाकिस्तान में जाकिर नाइक का पाकिस्तान पहुंचा है। पाकिस्तान में जाकिर नाइक का स्वागत किया गया है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जाकिर नाइक का जोरदार स्वागत किया गया। धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने उसका भारत का आपको बता दें कि जाकिर नाइक 15 दिन के पाकिस्तान दौरे पर है। तस्वीरें सामने आई है। पिछली वाली गुड्डी ने 20 दिन गया जी। पाकिस्तान के इस्लामाबाद से जहां पर भगोड़े जाकिर नाइक का स्वागत किया गया है, पाकिस्तान पहुंचने पर जोरदार स्वागत उसका किया गया। धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने जाकिर नाइक का स्वागत किया है, जो 15 दिन के दौरे पर पाकिस्तान पहुंचा है। भारत का मोस्ट वांटेड है जाकिर नाइक। भगोड़ा कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर समेत कई बड़े शहरों में भाषण देने के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंच गया है। वो भारत के खिलाफ हमेशा जहर उगल यार विजय मालिया कदों दा भज्जा होया इंडिया तो, किड्डा बिजनेस, किन्ने पैसे लै के भज्जा है, ते वो उनू कदे इदां मैं वेख्या नहीं वी इंडियन मीडिया ने उनू इदां क्या होवे। पता आया है जाकिर 28 अक्टूबर को इस्लामाबाद में भाषण के साथ अपनी यात्रा को खत्म करेगा। ये जानकारी पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय के प्रवक्ता के हवाले से सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से वो इन शहरों में नमाज सभाओं का नेतृत्व और संबोधन भी करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के युवा कार्यक्रम के अध्यक्ष, धार्मिक मामलों के संसदीय सचिव शमशेर अली मजारी, धार्मिक मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सैयद डॉक्टर अत्ता उर रहमान और अन्य लोगों ने न्यू इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर उसका स्वागत किया है। जाकिर नाइक ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए अपनी यात्रा की घोषणा की और पाकिस्तान में दिए जाने वाले सार्वजनिक भाषणों की डिटेल भी शेयर की। वो 5 अक्टूबर को अपना दौरा शुरू करने वाला है, जिसकी शुरुआत कराची, फिर लाहौर और फिर इस्लामाबाद से होगी। भारत का दुश्मन जाकिर नाइक, जिहादी जाकिर नाइक इस समय भारत के दुश्मन देश की धरती पर सांसें ले रहा है। जाकिर नाइक पाकिस्तान की धरती पर उतर चुका है। भारत का दुश्मन देश पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के लिए जाकिर नाइक को एक अपनी पसंदीदा डेस्टिनेशन मिल गई है। पाकिस्तान की बात करने वाला और पाकिस्तान के मन की बोलने वाला जाकिर नाइक उसी धरती पर जा पहुंचा है, जहां से आतंकवादी एक्सपोर्ट होते हैं। भारत का मोस्ट वांटेड जिहादी जाकिर नाइक इस समय पाकिस्तान में है। एयरपोर्ट से पहली तस्वीर भी सामने आ गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, क्योंकि जाकिर नाइक अब पाकिस्तान की सरजमीं पर उतर चुके हैं और जाकिर नाइक की पाकिस्तान में ऐसी एंट्री हुई जैसे मानो कोई हीरो आ रहा हो। पाकिस्तान ने जाकिर नाइक का बुके देकर फूलों के साथ स्वागत किया। दूसरे धर्मों के लिए जहर उगलने और कांटो जैसी चुपती बात बोलने वाले जाकिर नाइक को पाकिस्तान में ग्रैंड वेलकम मिला है। पाकिस्तानी सरकार के न्योते पर
जाकिर नायक पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और इसी के साथ जाकिर नायक अब कराची और लाहौर जैसे कुछ शहरों में इस्लामिक लेक्चर देने वाले हैं, या फिर यूं कहें जिहादी लेक्चर देने वाले हैं। जिहाद के बीच को पहले से अपने अंदर ओके यार, मैं तो ना सच्ची मेरे कान दुखन लग गए इन्हीं सुन सुन के। एडी हाइप क्रिएट की दी, इतना ड्रामा मिलता ना इंडियन मीडिया दे खबरां दे विच। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है थे कि जे थोनू लगदा सीगा कि ए एडी वड्डी चीज है, पहला भी चलो विद्रोह कीता है, पर उस लेवल तक क्यों नहीं होया फिर, जां जिहड़ी तो इन्होंने हुण गल कीती है कि मैं इत्थे देखो साइड नहीं लै रहा, जेकर जेकर डॉक्टर जाकिर नायक ने कदे भी भड़काऊ भाषण दिता है, मैं तां अज तक सुनिया नहीं, ठीक है, जेकर कितें उन्होंने दूजे धर्म के प्रति नफरत वाला गलबात जिहड़ी कीती है तां उह तुसीं मेरे सामने लियाओ, ठीक है, मैं इन्हां दे वीडियोज़ नहीं बनाऊंगा। ते उस तों अगली गल कि ਤੁਹਾਡੇ अपने इधर इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡੇ बाबा जी है बागेश्वर धाम वाले, उन्होंने बुलडोजर ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ, ठीक है, दूजे धर्म ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਬਈ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ? मतलब ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣ ਲਈ सिर्फ ਮੂੰਹ ही नहीं ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ पैर भी ਚਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਲਈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ चीज ਬਈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। मतलब वो उदो उदो क्यों नहीं रौला पाते कि यार ये साडे बाबे ने इदा कातों बोलता, मतलब दम रखो यार। लेकर बैठे पाकिस्तानियों के मन में अब जाकिर नायक पानी डालने वाले हैं। बता दे, जाकिर नायक सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चाओं में रहता है। भारत में कई मामलों में वांछित डॉक्टर जाकिर नायक पाकिस्तान पहुँच गया है, वो 28 अक्टूबर तक यहाँ रहेगा। इस दौरान जाकिर नायक इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में धार्मिक जनसभाओं को भी संबोधित खबर है, बस एक बार मिल जाए। सार्वजनिक भाषणों की डिटेल शेयर की। जाकिर का स्वागत इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तो प्रसिद्ध इस्लामिक। लो जी मित्रों, ऐसी आई एक वीडियो जिसे देखे कि आप वक्रे वक्रे जो न्यूज़ चैनल्स है उन्होंने एक बड़ी वड्डी ग्रेट हेडलाइन के नाल जिहड़ा स्वागत किया डॉक्टर जाकिर नायक दा इन दा पाकिस्तान। जिहड़ी स्टार्टिंग वाली एक जिहड़े बीबा जी सीगे उन्होंने बड़ी नफरत वाली जिहड़ी शब्दावली यूज़ की, मैनूं पता नहीं लगा वो किहड़ा चैनल सी क्योंकि नीचे उर्दू का आ रहा सीगा, तो जो एक्चुअल जिहड़ा चैनल सीगा उहदा लोगो वगैरह कुछ आ नहीं रहा सीगा, सो मैनूं नहीं पता क्योंकि मैं न्यूज़ नहीं देखता, मैं न्यूज़ चैनल्स तो न्यूज़ नहीं देखता, मैनूं कुछ भी पता लगता सोशल मीडिया तो पता लगता, तो बाकी तुसीं मैनूं भेज पूछ दिंदे हो उस करके मैं देख लैंदा। बट एडी नफरत वाली लैंग्वेज ये यूज़ कर रहे, हालांकि देखो मैं इत्थे कोई किसी नूं ओह नहीं कर रहा कि ना तो मैं किसी की साइड लै रहा, ठीक है, फस्ट ऑफ ऑल मैं वो रिएक्ट कर रहा जो मैनूं देख रहा। सो सब तो पहली गल कि जेकर उन्होंने जेडे मोस्ट वॉन्टड इन्होंने किया है, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नायक का वो पॉडकास्ट देखा उन्होंने कहा कि जिन्हें भी मेरे से इल्ज़ाम लगे है कोई भी प्रूफ नहीं होया, कोई भी प्रूफ नहीं होया, ठीक है, तो लेकिन जो हूँ आप अज की वीडियो के देखे इन्होंने उन्होंने मोस्ट वॉन्टड किया डायरैक्ट, एंड पाकिस्तान आतंकीस्तान किया, तो होर भी इदा दीज़ा जोड़ा कि बहुत ही जहर घोलन वाला काम करता, जोड़े लोग घट एजते है तो एक पार्टी सपोर्ट करते हैं ज मतलब अपना दिमाग नहीं यूज़ करते, बस उन्होंने आए हैं कि असी इकट्ठे रहिए, तो योजना खबर सुन के उन्होंने मन च की छवि बनती है, ठीक है। हालांकि आप इंटरनेट पर ऑलरेडी देखते हैं कि पाकिस्तान के भी लोग अपने वर्गे ही है यार, ठीक है, अपने वर्गे ही है, उन्होंने भी घर उदा ही चलते हैं जिमें अपने चल रहे हैं, उधर कोई नाश्ते च बंब नहीं खाते सवेरे उठ के, तो जिहड़ी कि एक परसैप्शन कह लो जां एक इमेजिनरी जिहड़ी एक यू नो एक लैंड बनाई है इंडियन मीडिया ने, वो देखो है, मैं खुद इंडियन है, मैनू इंडियन होने माण है, मैनू पंजाबी होने माण है, पर मैं मतलब ये नहीं कि मैं इंडियन है तो मैं दूजे देशों नूं गलत ही कहां, नाले तुसी पाकिस्तान कहना सीधा पाकिस्तान कह लो, दुश्मन देश कहने की लोड़ है, मतलब आ जिहड़ी न्यूज़ मीडिया दे विच खड़ के इन्ना रौला पाउंदे आ, मैं समझदा इन्हां दी जॉब है, ठीक है, पर एक जॉब के नाल नाल एक तुहाडा नैतिक फर्ज भी हुंदा है कि तुसी एडा जहर नहीं घोलना हुंदा, जिहड़े मैं एक दिलों चाहुंदा कि जिहड़े न्यूज़ मीडिया वाले स्टूडियो दे विच बैठ के हमेशा एडा रौला पाउंदे आ नफरत फैलाउण दा काम करदे आ, इन्हां नूं वधिया तो वधिया हथियार दो ते इन्हां नूं बॉर्डर ते तैनात करो, ठीक है, बस यही मंग है मेरी, तां जो इन्हां दा जोश जिहड़ा इत्थे निकलदा स्टूडियो च उह बॉर्डर ते भी निकले, है ना, ते बॉर्डर ते निकलूगा तां मेरे ख्याल उहदा इंडिया नूं बहुत फायदा होगा क्योंकि दुश्मन देश है पाकिस्तान, जदों दुश्मन देश नूं हराउणगे इह न्यूज़ मीडिया वाले सारे बॉर्डर ते जाके
तभी बहुत मजा होगा, सीरियसली बहुत मजा होगा। बाकी थोड़ा की लग रहा था कमेंट करके मैंने जरूर दस्यो एंड जान दो पहले मेक श्योर यू हैड दैट सब्सक्राइब।